प्यारे बच्चों, मैं हूं अवधेश प्रजापत पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज से। आयुओं का योग कैसे ज्ञात करें, इसके लिए नियम है। यदि ए और बी दो आयु दिए हुए हो तो उनका योग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों आयुओं का क्रम एक ही, अर्थात जो ए का क्रम हो वही बी का क्रम हो और ए प्लस बी का क्रम जो है आयु ए और बी के जो क्रम होते हैं उसी के बराबर है। और ए प्लस बी कैसे योग करते हैं, दो आवयों को कैसे जोड़ते हैं, उनके संगत आवयों को जोड़ते हैं। जैसे आवयों के योग से परिभाषित है, जैसे यदि आवयु ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम और बी इक्वल टू बी आई जे यम क्रॉस यम और ए प्लस बी करें, इसका योग करें, यहां लिखेंगे ए आई जे यम क्रॉस यम और बी आई जे एम क्रॉस यम, यहां लिखेंगे ए आई जे यम क्रॉस यम प्लस बी आई जे यम क्रॉस यम। यम क्रॉस यम, यम क्रॉस यम दोनों में है इसलिए इसको कॉमन ले सकते हैं। यहां लिखेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एम, यह हुआ ए प्लस बी। इस पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे दो आयु हैं ए इक्वल टू टू फाइव सेवन एट एंड बी इक्वल टू थ्री जीरो वन टू। अब इनका योग करें तो पूर्व में हमने बताया है कि दोनों का क्रम ऑर्डर एक ही होनी चाहिए, तो इसका क्रम टू क्रॉस टू है अर्थात दो पंक्तियां और दो स्तंभ है, इसमें भी दो पंक्तियां और दो स्तंभ है, इनका योग हम ज्ञात कर सकते हैं ए प्लस बी। और ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए इसके पहले हमने बताया है इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं, तो दो का संगत अवयव थ्री है तो टू प्लस थ्री ये फाइव है, फाइव का संगत अवयव जीरो है जोड़ेंगे ये फाइव है और सेवन का संगत अवयव वन है ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आठ है, एट का संगत अवयव टू है ऐड करेंगे तो टेन है। पूर्व में हमने बताया था ए प्लस बी का क्रम ऑर्डर वही होगा जो आयु ए और बी का था, जैसे यहां दो पंक्तियां दो स्तंभ, दो पंक्तियां दो स्तंभ, इसमें भी दो पंक्तियां और दो स्तंभ, यही है आयुओं का योग। अब आयुओं का अंतर की ओर हम चलते हैं। आयुओं का अंतर, ए और बी दो आयु दिए हो तो इनका अंतर भी उसी प्रकार है जिस प्रकार योग हुए, इनका भी अंतर तभी कर सकते हैं जब दोनों आयुओं का क्रम एक ही हो, ऑर्डर एक ही हो और इनका अंतर का क्रम भी वही प्राप्त होगा जो आयु ए और बी का था। जैसे आयु ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम और बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम, तो ए माइनस बी
इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम माइनस बी आई जे एम क्रॉस एम। दोनों में देख रहे हैं बच्चों एम क्रॉस एम दोनों का ऑर्डर एक ही है, कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। यह हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे, यह होगा एम क्रॉस एम। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल आप समझेंगे, दो आवयुक्त दिए हुए हो, जैसे आवयुक्त ए इक्वल टू एट फाइव सेवन जीरो और बी इक्वल टू थ्री नाइन सेवन जीरो। तीन का अंतर ज्ञात करने के लिए यहां भी ऑर्डर को देखेंगे, इसमें इसका ऑर्डर, इसमें भी टू क्रॉस दो पंक्तियां और दो स्तंभ, इसलिए ए माइनस बी ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले अभी बताए हैं जिस तरह संगत अवयव को जोड़ते हैं उसी तरह संगत अवयव को भी घटाएंगे। तो एट का संगत अवयव थ्री है तो एट माइनस थ्री फाइव है, सेवन माइनस नाइन माइनस टू है और फाइव माइनस सेवन माइनस टू आएगा और जीरो माइनस जीरो जीरो। और ए माइनस बी का भी ऑर्डर वही है जो ए और बी का है, यहां भी टू क्रॉस टू, यही है आवयवों का अंतर और आवयवों का योग। पुनः अगले वीडियो में बताएंगे हम महत्वपूर्ण टॉपिक। बच्चों धन्यवाद।